क्या आप सभी वर्डप्रेस पे लैंडिंग बना पेज बनाना जानते हैं? तो आज मैं आपको वर्डप्रेस पे लैंडिंग पेज कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ और वेबसाइट के बारे में हर एक छोटी बड़ी चीज बताती हूँ। पिछले वीडियो में बताई थी कि लैंडिंग पेज का क्या महत्व है और उसे किस लिए यूज किया जाता है, जो कि आपको ऊपर आइकॉन पे क्लिक करने पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और बताती हूँ कि कैसे हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। आज मैं अपने वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाऊंगी। ये देखिए मेरा वेबसाइट है डिजिटल स्रोत, इसका एक लैंडिंग पेज बनाती हूँ आज। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लर्न इसे पब्लिश करेंगे। चलिए अभी एलिमेंटर में चलते हैं। एलिमेंटर में जाने के बाद सबसे पहले यहां से एक ब्लॉग ले एलिमेंटर लेंगे और इसे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड डालना है तो आप यहाँ बैकग्राउंड का कलर डाल सकते हैं या फिर कोई बैकग्राउंड की पिक्चर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी एक कलर डाल के बनाऊंगी। यह मेरा लोगो के कलर है तो यह कलर ले ली मैं और इसे अपडेट कर देती हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग ले लेंगे। और इस हेडिंग में मैं पहले से लिख के रखी हूं तो यहां से हेडिंग ले लूंगी, कॉपी कर लूंगी। टेक्स्ट कलर वाइट करती हूँ। टाइपोग्राफी भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं पॉपिंस ले रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अब इसके साइज को एक लाइन में लेके हम आएंगे। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसे अपडेट कर देंगे। कोई भी आप चीज कीजिए तो उसे अपडेट करना मत भूलिए। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है एडिट कॉलम, इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टॉप से इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसे बॉटम से भी 25 25 कर देंगे। और इसे अपडेट कर देते हैं। फिर से एलिमेंटर में चलते हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे क्या करेंगे, हम यहां से क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसे हटा देंगे और यहां पे हम नीचे टेक्स्ट लेके आएंगे।
इसे पैराग्राफ में कर लेंगे और इसका कलर हम ब्लैक करेंगे और इसका साइज थोड़ा इसे 400 पे कर लेंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। पहले छोटा कर लिए और लाइन का भी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब इसे अपडेट कर देंगे। अभी क्या करेंगे, यहां पे एक वीडियो मुझे डालना। तो यहां से वीडियो का लेंगे और इसमें हम एक वीडियो डालेंगे, YouTube का वीडियो डालेंगे। इसका लिंक या YouTube का वीडियो नहीं, इसे मैं इसमें क्या सीख या क्या सिखाने वाली हूं, इसके बारे में यह वीडियो है। अभी क्या करेंगे, इसके मार्जिन में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे ताकि ये थोड़ा छोटा दिखे। अगर यह छोटा थोड़ा दिखेगा तो दिखने में भी या 1 मिनट यहां पे थोड़ा यहां पे क्या करेंगे, दो कॉलम ले लेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसमें एक में वीडियो डालेंगे ही, वीडियो आ गया। यहां से थोड़ा सा बॉटम से इसे बड़ा कर लेंगे, ऊपर से ठीक है, सिर्फ बॉटम से करेंगे और इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद फिर से एक हेडिंग लेंगे। हेडिंग लेने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर नाउ और इसे व्हाइट कलर में करेंगे। व्हाइट कलर में किए, इसे भी पॉपिंग्स में कर देंगे। इसका साइज ठीक है, थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे और इसको इसको सेंटर में करेंगे। अभी इसे सेंटर में करने के बाद यहां पे हम एक बटन लगाएंगे। इस बटन पे हम साइन
यहाँ पे हम इसे साइन अप कर देंगे, आइकॉन का थोड़ा सा इसका साइज चेंज करते हैं, बॉर्डर इसको कर लेते हैं थोड़ा सा राउंड शेप में, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही रखते हैं। इसका बैकग्राउंड ग्रीन ही रहेंगे। इसका बैकग्राउंड रेड कलर, और इसका शैडो टेक्स्ट भी थोड़ा सही जगह हॉरिजेंटल ब्लड कर देते, टिकल, और इसे थोड़ा सा ब्लड कर देते। अभी हॉवेवर पे जाएंगे और यहां से हम इसका कलर चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर वही रहेगा, बैकग्राउंड कलर सिर्फ हम चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर से करेंगे। ये देखिए अब इसे अपडेट कर देते हैं। अब इसे मोशन में चलते हैं और इसमें बहुत सारे मोशन है जो कि आप कोई भी मोशन में रख सकते हैं। इसे मैं जूम इन में की हूं, आप किसी में भी रख सकते हैं। अभी यहां पे एक और सेक्शन है, और यहाँ पे दो सेक्शन, एक में टेक्स्ट डालती हूं और दूसरे में इमेज। पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट में फ्री ई बुक, इसका कलर ब्लैक कलर, इसका भी टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हैं। अभी इसे थोड़ा सा नीचे ले गया, इसे अपडेट कर देंगे। अभी फोटो में जाएंगे, फोटो चूज करेंगे, अपलोड करेंगे, यहां से सेलेक्ट दबाएंगे। मेरे पास बस बुक का ऑलरेडी बना हुआ है, और इस ऑल टेक्स्ट में भी ई बुक लिख देंगे और यहां से इसे इंस्टॉल। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
अभी यहां पे मैं अपने बुक के लिए लिंक डाल देती हूँ। अभी से अपडेट कर देते हैं, इसे थोड़ा और नीचे ले जाना। और इसे थोड़ा सा मीडियम लार्ज से मीडियम लार्ज कर देते हैं और इसको ये यहां से इसे साइड में कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो इमेज वगैरह भी दे सकते हैं आइकॉन डाल के। सेकेंड, अभी क्या करेंगे, एक आइकॉन और इस आइकॉन का लाइब्रेरी में जाते हैं और फिंगर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते सही गैप बड़ा छोटा कर सकते हैं। पे एनिमेशन भी दे सकते हैं और इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ई बुक का लिंक डाल देंगे और इसे तो अभी क्या होगा कि कोई भी अगर आता है हमारे साइट पे और देखता है यार ई बुक है यहाँ पे, तो वह आसानी से यहाँ क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब इसे अपडेट कर देंगे और यह हमारा लैंडिंग पेज बन के तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं पैडिंग से। टॉप से थोड़ा सा नीचे करेंगे।
इसे अपडेट कर देंगे। देखिए आप इसे और भी खूबसूरत सा बना सकते हैं। देखिए कितना आसानी से और कितने जल्दी से यह लैंडिंग पेज बनके तैयार हो गया। अब चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे एक टैब में ओपन करके। पहले बैकएंड में चलते हैं। यहां से अभी हम क्या करेंगे, अपेरेंस में जाके मेनू में जाएंगे। ठीक है, यहां लैंडिंग पेज नहीं है। ठीक, चलिए अभी होम पेज पे चलते हैं और होम पेज पे देखते हैं कि हमारा ये लैंडिंग पेज दिख रहा है होम पेज पे या नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें लैंडिंग पेज दिखाना नहीं है होम पेज पे। ये लोड हो रहा है। देखिए ऊपर में हमारा लैंडिंग पेज का नहीं आया है। ये होम पेज हो गया। अभी अगर हम लैंडिंग पेज का लाते, लैंडिंग पेज हम कैसे लेके आएंगे, कैसे लैंडिंग पेज का हमको यूआरएल मिलेगा, सवाल ये है। तो लैंडिंग पेज के यूआर के लिए हम पेज पे आएंगे, वहां से एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए यहाँ यूआरएल लिखा हुआ है, तो इसे क्लिक करेंगे और एक सेकेंड, यहां से इसे कॉपी कर लेंगे। देखिए अब देखे कि लैंडिंग पेज बन के तैयार हो गया और यह जो यूआरएल है इसे आप कॉपी करके कहीं भी सेव करके रख दीजिए और इसको आप जब आप अपने वेब कोर्स के लिए दे रहे हैं और लैंडिंग पेज पे, तो उसे आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कोर्स के बारे में भी बता सकते हैं कि आप क्या क्या कोर्स दे रहे हैं। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से लैंडिंग पेज वर्डप्रेस पे स्क्रैच से बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह के और भी वेबसाइट से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका फायदा उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।